नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और साथ साथ कैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ के 100% गारंटी के साथ आपको सिखा दूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करता है। आप इसके बाद समझ जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक मैं MCB दिखा रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि MCB क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों MCB अगर आप समझते हैं तो MCB और कॉन्ट्रैक्टर में कोई फर्क नहीं होता है, बस MCB को आप यूँ हाथ से इसको यूँ स्टार्ट करते हो, पर कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप एक सिर्फ एक बटन दबा देते हो और कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, आज के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर का यूज भी कर पाओगे। दोस्तों आप MCB को तो समझते होंगे ना कि MCB कैसे काम करती है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जैसे ये एक MCB बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक दो तीन, ये तीन पोल है। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन। मैं क्या करूँगा, एक फेज इसमें दे दूंगा R, एक Y और एक B, R Y B। ठीक है, ये मैं कहीं से भी ला रहा हूँ, जैसे हमारी बाहर जो घरों के अंदर या फिर कंपनी के अंदर जो लाइन आ रही है उससे मैंने जोड़ दिया R Y B। ठीक है, R Y B तीनों के अंदर जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस MCB को ऑन करता हूँ, जैसे मैंने इस MCB को ऑन करा तो क्या होगा दोस्तों, मेरा ये R जो इधर था वो इधर मिल जाएगा, Y जो इधर था वो मेरे को इधर मिल जाएगा और B जो इधर था वो इधर मिल जाएगा। ठीक है, पर मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को इसको मैनुअल हाथ से ही ऊपर करना पड़ा। ठीक है, पर अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब ऐसा कुछ ही नहीं है कि अगर मैं ये जो R Y B है ये मैं इधर ना जोड़ के वापस मैं एक MCB बना रहा हूँ, अगर मैं ये R Y B मैं इसमें ना जोड़ के ऊपर जोड़ दूँ, अगर मैं ये जो कंपनी के आ रहे हैं जो मेरे बोर्ड से सप्लाई R Y और ये B मैं इधर ना जोड़ के नीचे ना जोड़ के ऊपर जोड़ दूँ और मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा वापस तो क्या होगा, मेरी सप्लाई वापस मेरे को बस नीचे मिल जाएगी। बस यही काम है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। बस मैं कहीं पे भी सप्लाई दूँ, इसके सामने का करंट मेरे को इसके सामने मिल जाएगा, इसके सामने का इसके सामने मिल जाएगा और इसके सामने का इसके सामने करंट मिल जाएगा, यानी यहाँ पे करंट मिल जाएगा जैसे मैं इसको ऑन करूँगा। इसी तरह दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। अब मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्टर बना के बता देता हूँ, आपने कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्रैक्टर जरूर देखे होंगे। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक दो तीन, मैं ये तीन टाइप का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको सुविधा के लिए मैं एक और कॉन्ट्रैक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, वो चार पोल का है। कोई फर्क नहीं है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में और MCB में। अब दोस्तों देखो क्या होता है, आपको पता है हम किसी भी, जैसे आपके घर में एक बल्ब है, ठीक है, एक ये लैंप है, ठीक है, ये एक लैंप है, इसको लैंप को चलाने के लिए आप क्या करते हो, इस लैंप को चलाने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर एक सिंगल फेज देते हो, एक तो फेज दे देते हो और एक मैं दे देता हूँ न्यूट्रल और ये मेरा लैंप चलने लग जाता है ना, इसी तरह होता है। तो दोस्तों इसी तरह इस कॉन्ट्रैक्टर को भी चलाना पड़ता है, जैसे मैंने ये लैंप चलाया ना उसी तरह इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है। इसको कैसे चलाया जाता है, जैसे अभी इसके अंदर तो हम हाथ से ऊपर नीचे कर रहे हैं, पर इस कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए हम बिजली का वायर लगाते हैं। बिजली का वायर कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या, जैसे ये तीन पॉइंट वाला कॉन्ट्रैक्टर, जैसे तीन पोल की MCB है इसी तरह तीन पोल का कॉन्ट्रैक्टर है, और ये फोर पोल की MCB आती है उसी तरह फोर पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो जैसे ये तीन पोल का ये सेम है। अब दोस्तों इस तीन छः के अलावा, ये छः एक दो तीन चार पाँच छः, इस छः पॉइंट के अलावा कॉन्ट्रैक्टर में दो पॉइंट अलग होंगे। आप कभी भी देखना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसके साइड में देखना, एक A1 लिखा होगा और एक A2 लिखा होगा, ऐसे करके दो पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, वो किसी भी साइड हो सकते हैं, या तो यहाँ होंगे यहाँ होंगे यहाँ होंगे, कभी अधिकार अधिकतम केस में एक इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है, यानी इस जगह नहीं इसके पीछे होता है, या फिर आप देख लेना किसी किसी में इधर होता है, यानी वो कहीं पे भी हो सकता है, A1 लिखा होगा और एक A2 लिखा होगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि किधर लिखा हुआ है तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, आप क्या कोई भी उस पर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये A1 A2 क्या होता है, अब क्या इस A1 A2 के पास में एक चीज़ लिखी होती है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे, जैसे मैं मानता हूँ, जैसे मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये एक दो तीन, इसके अंदर A1 A2 इधर बना हुआ है, एक A1 और एक A2। अब इस A1 A2 के पास में एक छोटा सा लिखा होता है वाइट पेपर की 220 वोल्ट, जैसे आपने घर के बल्ब देखे ना उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, या फिर किसी किसी पे लिखा था 415 वोल्ट, कोई भी चीज़ 415 वोल्ट की तो उस पर लिखा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने में चलेगा, जैसे ये बल्ब मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि 220 वोल्टेज पे चलेगा, इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो अगर ये 220 वोल्टेज पे, तो मैं इसको एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूंगा जैसे हम घर के बल्बों में करते हैं, और एक फेस हम एक स्विच से दे देंगे, जो आपने NO पुश बटन देखे हैं वो NO पुश बटन कुछ इस प्रकार होता है, और मैं ये फेस इसमें दे दूंगा। क्या करूंगा, मैं एक फेस इधर दूंगा और ये बीच में NO पुश बटन जोड़ दिया। अब जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फेस इधर से इधर आ जाएगा और मेरे ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। एक होल्डिंग शब्द होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे को सपोर्ट मिलेगा, आपका अच्छा लगेगा दोस्तों, मेरे को भी सब्सक्राइब आपसे मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, करीब 100-150 वीडियो है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। देखो दोस्तों, अब जैसे मैंने इसको फेस वायर को बटन को दबाया, जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो मेरा क्या फेस वायर इधर से आया और इस A1 में आ गया। अब जैसे ही A1 में आएगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। आप ये मानिए, जैसे मैंने उस बटन को दबाया तो मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ, पर इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ता है, ये ऊपर करना पड़ता है, पर ऊपर करने के केस में क्या होता था दोस्तों, मेरा यहाँ से जो फेस था वो इधर मिल जाता था। तो इसी तरह इसमें भी यही होगा, जो मैंने फेस इधर दे रखे हैं
वो मेरे तीनों इधर चले जाएंगे। तो दोस्तों कितना इजी हो जाता है इसको लगाना, बटन। बटन लगाने से ये हो जाता है कि हमारा हैंडी काम हो जाता है और इस बटन को मैं बहुत दूर भी ले जा सकता हूँ, वो इस प्रकार काम करता है, ठीक है। और इस बटन को लगाना बहुत ही सेफ होता है, ठीक है, एक ये भी चीज़ होती है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊँ कि कॉन्ट्रैक्टर में एक और चीज़ होती है, ये दोस्तों एक पॉइंट होता है NO, ठीक है, और एक होता है NC, ठीक है। ये समझना थोड़ा ज़रूरी है आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको एक अलग पेज पे थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है, आप क्लियर समझ जाओगे, इतनी कोई बड़ी नहीं। जैसे मैंने ये वापस एक कॉन्टैक्ट बनाया जो चार पोल का बना देता हूँ, ठीक है, 4 पोल, ठीक है। और ये हो गया इसका A1 और एक A2। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, एक तो अगर ये 220 वोल्टेज का, इस बार 220 नहीं, इस बार मैं मानता हूँ 415 वोल्टेज का, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 415 वोल्टेज। तो मैं एक इसके अंदर फेज डायरेक्ट दे दूंगा और एक फेज मैं इसके अंदर दूंगा, वो दूंगा मैं बटन लगाते हुए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस बटन को दबाऊंगा, मेरा एक फेज डायरेक्ट दे रखा है, एक फेज पर मेरा आया और मेरा एक कॉन्टैक्ट होल्ड हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, एक होते हैं NO पॉइंट, यहाँ पे लिखा होता है इनके सामने बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में NO और दो पे मैं मानता हूँ NC, ठीक है। अभी NO NC क्या है दोस्तों, ये MCB है ना, इस MCB को आप मानो बिल्कुल NO पॉइंट है, यानी NO पॉइंट का मतलब जैसे मैंने इधर एक वायर जोड़ रखा है, अगर ये NO पॉइंट है, ये अभी MCB का जो पॉइंट होता है वो NO पॉइंट होता है, मैंने इधर एक वायर जोड़ रखा है और जैसे ही मैं इस MCB को ऑन करता हूँ तो मेरा इधर वाला वायर इधर जाने लग जाएगा। पर अगर ये NC पॉइंट होगा ना, तो जब ये बंद है ना, बंद कंडीशन में क्या होगा, इधर वाला वायर इधर से निकलता रहेगा, पर जैसे मैं इसको चालू करूँगा तो मेरा सप्लाई का इधर वाला वायर वो इधर से निकलना बंद कर देगा, कुछ इस पर काम करता है। अब देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये है R, Y, B और R, ठीक है, कोई सा भी RR मान लो, सबको RR फेस है, ठीक है, सारे RR फेस है। जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो ये NO पॉइंट है, तो NO पॉइंट मतलब MCB टाइप, यानी जैसे मैंने इस बटन को दबाया ये मेरा ऑन हुआ और मेरा एक फेस इधर मिल गया। जैसे मैंने बटन दबाया ये भी NO है, ये भी NO है, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये है मेरा दोस्तों NC है। तो NC होने कंडीशन में क्या होगा, जब जैसे मैंने अभी इसको चालू कर रखा है तो चालू कंडीशन में क्या होगा, ये इधर से इधर जाना बंद हो जाएगा और जैसे मैं इस बटन को छोड़ दूंगा, वापस पीछे कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा वापस कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। कॉन्टैक्टर बंद कंडीशन में क्या होगा, मेरे ये जो वायर इधर से इधर जा रहे थे, ये NO पॉइंट था, ये इधर से इधर जा रहे थे ना, ये दोनों NO वाले इधर से इधर जा रहे थे, तो ये दोनों इधर जाना रुक जाएंगे और मेरे ये जो NC पॉइंट है ये बंद कंडीशन में इधर से इधर निकलता रहेगा, और जैसे मैं इसको चालू करूंगा तो ये बंद हो जाएगा और ये निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके ऊपर मैं अलग से बेस्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझने के लिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको क्या समझ में आया, आप आज के बाद कॉन्ट्रैक्टर पर काम कर पाएंगे, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।